हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 19 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, और इस वीडियो में मैं आपसे दो क्वेश्चन भी पूछूंगा। पहला क्वेश्चन मैं वीडियो के शुरू में पूछूंगा और दूसरा क्वेश्चन मैं वीडियो के लास्ट में पूछूंगा। तो आज आपका पहला प्रश्न है, हाथियों के लिए भारत का पहला विशेष अस्पताल कहाँ पर खोला गया है? तो ये आपका पहला प्रश्न है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। और मैंने जो आपसे कल दो प्रश्न पूछे थे उसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, नाटो का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास एनाकोंडा 2018 कहाँ शुरू हुआ? तो नाटो का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास एनाकोंडा 2018 ये शुरू हुआ है पोलैंड में। और यहाँ पर बात हुई है नाटो की, तो नाटो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में, और नाटो के वर्तमान महासचिव हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। जेंस स्टोल्टेनबर्ग नाटो के वर्तमान महासचिव हैं, और नाटो इसमें 29 देश शामिल हैं, लेकिन भारत नाटो का सदस्य नहीं है। और यहाँ तो नाटो का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास एनाकोंडा 2018 ये पोलैंड में शुरू हुआ है। पोलैंड की राजधानी है वार्सो, पोलैंड की करेंसी है ज्लोती, और पोलैंड के राष्ट्रपति हैं एंड्रेज डुडा। एंड्रेज डुडा पोलैंड के राष्ट्रपति हैं, और पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं मातेउज मोरावीकी। मातेउज मोरावीकी पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली पुलिस द्वारा पुलिस कर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई? तो दिल्ली पुलिस द्वारा पुलिस कर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के लिए निपुण नामक पोर्टल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न, ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 6 वर्षों में कैंसर के मामले में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी द्वारा हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 6 वर्षों में कैंसर के मामलों में 15.7% की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि सबसे ज़्यादा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और ये आंकड़े 2012 से 2018 तक के हैं। इन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में लगभग 11,57,000 कैंसर के मामले दर्ज किए गए, जो कि वर्ष 2012 में दर्ज 10 लाख मामलों की तुलना में 15.7% अधिक है। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच 9वीं वार्षिक रक्षा और सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो भारत और चीन के बीच 9वीं वार्षिक रक्षा और सुरक्षा वार्ता ये आयोजित की गई चीन की राजधानी बीजिंग में। और यहाँ पर बात हुई है चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेन मिनबी, चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और चीन के प्रधानमंत्री हैं ली केकियांग। अगला प्रश्न, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जियुल ओराम ने किस राज्य में 36 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की घोषणा की है? तो जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जियुल ओराम ने मेघालय में 36 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की घोषणा की है। और यहाँ पर बात हुई है मेघालय की, तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग, मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा, कॉनराड संगमा, और मेघालय के राज्यपाल हैं तथागत रॉय। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपने किस नवीनतम संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसरो ने अपने GSAT-29 नामक संचार उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इस संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया है। और इस संचार उपग्रह की सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये पूरी तरह से भारत में बना है, और इस संचार उपग्रह का वजन है 3,423 किलोग्राम। 3,423 किलोग्राम इस संचार उपग्रह का वजन है, और इस उपग्रह को इसरो के सबसे ताकतवर रॉकेट GSLV-MK3 से लॉन्च किया गया है। GSLV-MK3 से इस संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर बात हुई है इसरो की, तो हम थोड़ा सा इसरो के बारे में जान लेते हैं। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, और इसरो की स्थापना किसने की थी? तो विक्रम अम्बलाल साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक में। इसरो के वर्तमान चेयरमैन हैं के सिवन। अगला प्रश्न है, मिशेलिन स्टार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो मिशेलिन स्टार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं गरिमा अरोड़ा। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही है गरिमा अरोड़ा, और ये मिशेलिन स्टार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। मिशेलिन स्टार होता क्या है? मिशेलिन स्टार जो शेफ़ यानी कि जो कुक होते हैं उनको दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो मिशेलिन स्टार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं गरिमा अरोड़ा। अगला प्रश्न है, भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि साइरिल रामफोसा होंगे, ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो साइरिल रामफोसा ये भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे, ये राष्ट्रपति हैं दक्षिण अफ्रीका के। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही हैं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामफोसा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया, और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति तो यही हैं साइरिल रामफोसा। अगला प्रश्न है, G7 देशों में कौन सा पहला ऐसा देश है जिसकी केंद्रीय बैंक की संपत्ति देश की पूरी अर्थव्यवस्था से भी अधिक हो गई है? तो G7 देशों में जापान ऐसा पहला देश है जिसके केंद्रीय बैंक की संपत्ति देश की पूरी अर्थव्यवस्था से भी अधिक हो गई है। G7 ये क्या है? तो G7 ये 7 देशों का एक समूह है। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, ये 7 देश G7 में शामिल हैं। तो G7 देशों में जापान पहला ऐसा देश है जिसके केंद्रीय बैंक की संपत्ति देश की पूरी अर्थव्यवस्था से भी अधिक हो गई है। तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन, और जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे। अगला प्रश्न है, अमेरिका के इतिहास में पहली बार व्हाइट हाउस पर किस न्यूज़ चैनल ने मुकदमा दायर किया है? तो अमेरिका के इतिहास में पहली बार व्हाइट हाउस पर मुकदमा दायर किया है CNN न्यूज़ चैनल ने। CNN ने व्हाइट हाउस के अपने रिपोर्टर जिम एकोस्टा का व्हाइट हाउस पास छीने जाने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप समेत प्रशासन के 6 लोगों पर वाशिंगटन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दायर किया है। अगला प्रश्न है, विच ट्रेवल की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा देश यात्रा करने के लिए सबसे सुरक्षित देश है? तो विच ट्रेवल की रिपोर्ट के मुताबिक आइसलैंड यात्रा करने के लिए सबसे सुरक्षित देश है। आइसलैंड की राजधानी है रेकजाबिक, रेकजाबिक आइसलैंड की राजधानी है, और आइसलैंड की करेंसी है क्रोना, क्रोना। आइसलैंड के राष्ट्रपति हैं गुडनी जोहानसन, गुडनी जोहानसन। अगला प्रश्न, 2018 फेड कप ट्रॉफी किस देश ने जीती? तो 2018 फेड कप ट्रॉफी ये जीती है चेक गणराज्य ने अमेरिका को हराकर 2018 फेड कप ट्रॉफी जीती है। फेड कप ट्रॉफी ये महिला टेनिस खेल में दी जाती है। अगला प्रश्न, भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र ये आयोजित किया जा रहा है झांसी में, झांसी है उत्तर प्रदेश में, और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र भारत और रूस के बीच 18 नवंबर को शुरू हो चुका है झांसी में। अगला प्रश्न, T20 में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं जिन्होंने रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ दिया है? तो ये हैं मिथाली राज, ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही है मिथाली राज, और ये T20 में सबसे ज़्यादा स्कोर बनाने वाली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं, और इन्होंने रोहित शर्मा इनको भी पीछे छोड़ दिया है। रोहित शर्मा ये ऐसे पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 में 4 शतक लगाए हैं। और कल के प्रश्न, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न मैंने पूछा था किस देश ने कृत्रिम सूर्य बनाया है, तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी चीन ने। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2018 घोषित किया है,
तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, टॉक्सिक वर्ड को। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों ही क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। और आज आपका दूसरा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गौ समृद्धि प्लस स्कीम लॉन्च की है? तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए। मैंने आपसे दो प्रश्न पूछे हैं, दोनों का आंसर आप कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर रोज़ सुबह 4 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।